शल मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है ना? हरिस, मोहब्बत छीनी नहीं जाती और ना ही जबरदस्ती किसी से की जाती है। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत छीन तो नहीं रहा ना शल, मैं तो तुमसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा हूं। काश के तुम समझ जाओ, काश मेरे अंदर की जो बेसुकूनी है, बेकरारी है, बेचैनी है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ आ जाए ना ईशा, तो एक पल से पहले तो मेरी मोहब्बत को मान लो और मेरी हो जाओ। हारिस प्लीज, मुझे परेशान नहीं करो। अच्छा यार, कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप के पैर पकड़ लूंगा, मिन्नतें करूंगा, समाजत करूंगा उनकी, बस उन्हें कहूंगा कि तुम मेरी जिंदगी हो। मेरी जिंदगी मुझे दे दे वरना मर जाऊंगा मैं। लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन मुझे तो तुमसे शादी करनी है ना। तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन है मेरे लिए, नामुमकिन है। मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मेरी जो चलती हुई सांसें हैं ये तुमसे जुड़ी हुई है, तुम्हारी एक हां या ना से। अगर अगर हां कर दोगी तो ये चलती रहेगी, और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तुमने ना कह दिया ना, तो कसम से मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हारिस, ये तुम क्या कह रहे हो? सच्ची हारिस, हेलो हेलो, शाविज, मैं सोच रही थी कि इस बार हम जो ट्रिप पे जा रहे हैं तो बिजनेस डील मुकम्मल करने के बाद क्यों ना हम यूरोप की सैर कर लें।